ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की। सो वेलकम टू ऑल माई सब्सक्राइबर टू योर वॉइस ज़ैद रशीद चैनल। सो गाइस फाइनली 23 सितंबर को इम्तियाज जलील ने एक रैली निकाली थी औरंगाबाद से मुंबई के लिए, और वो रैली का ये मकसद नहीं था कि मतलब उन्होंने अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लिए वो रैली की थी या कुछ भी था, वो प्रोटेस्ट था क्योंकि किसी एक इंसान ने मुस्लिम को मस्जिद में घुस के मारने की धमकी दी है और किसी इंसान ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में गलत बोला है, तो उसलिए प्रोटेस्ट हुआ था। तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक वीडियो आया है गाइस, तो उसमें उन्होंने बताया कि क्यों दूसरे मुस्लिम एमएलए थे दूसरी पार्टी के, वो लोग क्यों नहीं आए और वो क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि ये एमआईएम का प्रोटेस्ट नहीं था ना, ये था मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोटेस्ट था। तो इसके ऊपर एक वीडियो आई है गाइस, तो पहले हम लोग उस वीडियो को देखते हैं और देखते हैं कि हम लोग कुछ ओपिनियन रख सकते या नहीं रख सकते। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, और गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरा मेंबरशिप भी ले सकते हैं, क्योंकि मैं अनुभव गोदी मीडिया डीसी हिप हॉप के बारे में और ऐसी कई तरीके की बारे में जो भी इंडिया में भी हालात चल रहे उसके ऊपर मैं वीडियो बनाता हूं, मैं आप लोगों के ओपिनियन मांगता हूं, रिएक्ट करता हूं। तो चलो मेंबरशिप ले लेना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलो शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, आप उसमें भी नहीं आते। तो आप लोग समझे ये बात को कि इन लोगों ने मतलब ओवैसी साहब ने इम्तियाज जलील ने कोई एमआईएम का प्रोटेस्ट नहीं निकाला था या कोई एमआईएम की रैली नहीं थी इलेक्शंस के लिए, ये हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लिए थी कि जो हमारे पे जुल्म हो रहा है उसके ऊपर रैली थी, तो वही वो कह रहे हैं। ये तो नामों से रिसालत का मसला है ना, और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को। हाँ गाइज, जितने लोगों ने भी बोला था ये बात कि प्रोटेस्ट वायलेंट होगा, तो बहुत से गोदी पत्रकारों ने भी ये कहा है कि इम्तियाज जलील का प्रोटेस्ट बहुत ही साइलेंट प्रोटेस्ट था, कहीं पर भी वायलेंस नहीं दिखी, कहीं पर भी कुछ नहीं हुआ। तो ये एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि कैसे एक अच्छे से प्रोटेस्ट किया जा सकता है। इम्तियाज जलील की लीडरशिप में जो प्रोसेशन, जो गाड़ियों का काफिला औरंगाबाद से निकला, उसमें तो इम्तियाज जलील ने हर जिले के कांग्रेस, राष्ट्रवादी और समाजवादी, इन तमाम के जिले के लीडर्स को से उनके बड़े एडमिनिस्ट्रेटर लिखा कि आप आइए इसमें, आप आकर इसको ज्वाइन करिए, ये कोई पॉलिटिकल प्रोटेस्ट नहीं है, आप इसमें शामिल हो जाइए। कोई नहीं आया भाई, इतने एमएलए मुस्लिम एमएलए जीत कर आए कांग्रेस पार्टी से, उनको आना चाहिए था भाई। ये तो एमआईएम का फंक्शन नहीं था, ये तो जो उस शख्स ने हमारे प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो अनाप शनाप बकने की कोशिश की, और फिर एक बीजेपी का एक विधायक है जिसने अनाप शनाप भाषण दिया उसके खिलाफ एक प्रोटेस्ट हुआ था, आप उसमें भी नहीं आते। तो मैं अब फिर से उनसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि अब जब सेकेंड फेज ऑफ प्रोटेस्ट होगा महाराष्ट्र में, मुंबई में, उसमें आप लोग आइए, आप लीड करिए, हम आपके पीछे खड़े तैयार हैं। ये तो नामों से रिसालत का मसला है ना, ये तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो किसी ने बकवास बकने की कोशिश की, तो ये उनको देखना, जनता देख रही है इन लोगों को, आप आ ही नहीं रहे प्रोटेस्ट में, और जो लोग बोल रहे थे प्रोटेस्ट वायलेंट होगा उनको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना चाहिए बेशर्मों को, जो प्रोपोगंडा कर रहे थे कि वायलेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, अरे बेशर्मी की हद कर दिए, झूठ की हद कर दिए। 10,000 गाड़ियां निकली और 10,000 गाड़ियों में से पूरे पीसफुल गए, एक दो जगह पर उनको आईने फोड़े गए गाड़ी के, फिर भी हम लोग प्रोवोक नहीं हुए, मैं सलाम करता हूं।
मैं तो सलाम करता हूं उन तमाम लोगों को जो सिर्फ प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जिस शख्स ने बकवास बकी और रूल ऑफ लॉ के अफेंड करने के लिए संविधान को तिरंगा लेकर निकले। इन लोगों नहीं आते तो मैं क्या करूं इसके बारे में, पर जनता देख रही है, दुनिया देख रही है। सो गाइस, जैसा कि आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा, सबसे पहले तो इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अब मैं आपसे बात करता हूँ गाइस, जब आप लोग क्यों नहीं आ रहे हो, क्योंकि ये हमारे कोई पॉलिटिकल का मसला नहीं था, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मसला था। आप लोग आइए, आप लोग जुड़िए, तभी ये लोग उसको सजा देंगे जिसने गलत गलत बात किया है हमारे नबी के खिलाफ। आप लोगों को एक एग्जाम्पल दूँ, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब है, उन्होंने तो कुछ किसी का नाम भी नहीं लिया, उनको आज तक बंद करके रखा हुआ है, और ये लोग नाम लेके हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहे हैं और ये लोग आजाद घूम रहे, इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही। तो ये इसके ऊपर रैली है, ये इसके ऊपर प्रोटेस्ट है, और वो भी पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो गाइज, मैं जितने भी मेरे दोस्त, जितने भी मेरे भाई लोग, जितने भी मेरे लोग देख रहे हैं, प्लीज कुछ भी अपडेट आएगी प्रोटेस्ट के ऊपर, कब होगा सेकेंड प्रोटेस्ट, कहाँ होगा, मैं आप लोगों को गुजारिश करता हूँ कि आप लोग वहां जाए, नबी के लिए जाए, मुस्लिम कौम के लिए जाए, और अपना एक स्टैंड रखे, क्योंकि हम अगर अब स्टैंड नहीं रखेंगे तो हम लोग कब स्टैंड रखेंगे गाइज। तो गाइज, इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लेना इस चैनल को, क्योंकि ऐसी अपडेट्स मैं लाते रहता हूँ। तो गाइज, आप लोगों को मैं नेक्स्ट अपडेट लेके आऊंगा, कब प्रोटेस्ट होने वाला है, कब नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है प्लीज जाए। मैं मिलता हूँ अपने चैनल की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़।